भैया इधर देखिएगा, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेतृत्व एवं प्रदेश के नेतृत्व द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करने की कोशिश करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को पूरा करने के लिए मैं अनुमल की जनता के प्रति समर्पित रहूँगा। क्या करना चाहेंगे सर, किस पार्टी से नामांकन किए हैं और कहां से? समाजवादी पार्टी से नामांकन किए हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही मैं नामांकन किया हूं और समाजवादी पार्टी ने नगर पंचायत उन्मल से हमें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। सर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्या एजेंडा बनाए सर? एजेंडा हमारा बना है, देखिए विकास का मेरा एजेंडा है। जो नगर पंचायत उन्मल की बदहाल सड़कें हैं, पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, नाली की समस्या है और गंदगी का अंबार लगा रहता है, सभी चीज़ों को दूर करेंगे। अगर जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पर होगा, स्वास्थ्य पर होगा, सड़क पर होगा, नाली पर होगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जो योजनाएं हैं वो आम वर्ग तक पहुँचे। थैंक यू सर। आज एक पर्चा दाखिल आप किए हैं खैनी तहसील परिषद में उन्होंल से कस्बा संग्रामपुर अध्यक्ष पद के लिए, आप कैसा फील कर रहे हैं सर पर्चा दाखिल करने के बाद? मुझे तो एक छोटे से कार्यकर्ताओं को पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है और इस पद के लायक समझा है, इसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। सर पर्चा दाखिल करने की उम्मीद जो है, आप एजेंडा बनाए होंगे ना, क्या एजेंडा है? अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या क्या कार्य करेंगे अपने उन्होंल ग्राम सभा में? सर अध्यक्ष पद के आप उम्मीदवार हैं, पार्टी का नेतृत्व है, यहाँ आए थे विधायक साजनवा प्रदीप शुक्ला जी, आपका पर्चा दाखिल कराए हैं, कई भाजपा के दिग्गज नेता आए थे, आप काफ़ी उम्मीद रखे हैं, महेश दुबे जी एडवोकेट आपको शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है, सर इसमें क्या एजेंडा बनाए हैं कि उन्होंल की तस्वीर बदल देंगे आप? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है, उसको किसी एजेंडे में विश्वास नहीं है, कोई छुपा एजेंडा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का। डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एक ही काम होता है भारतीय जनता पार्टी का। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी का सपना है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो गांव और नगर पंचायतों से होकर ही, जब गांव और नगर पंचायत मजबूत रहेंगे तो भारत निश्चित रूप से एक दिन विश्वगुरु बनेगा। इनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं इस समय मैदान में हूं और निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगर पंचायत उन्होंल के देवतुल्य जनता के बदौलत मैं विजय भी प्राप्त करूँगा और योगी और मोदी के सपनों को पूरा करूँगा।